हेलो एवरीवन। तो आज की हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज की हमारी पांचवी क्लास है आज, ठीक है, चलिएगा। तो आज हम लोग जो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे वो मिसलेनियस टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप बोर्ड से पढ़िएगा, मैं लगा रहा हूँ भाई, पढ़िए पहला क्वेश्चन बोर्ड से। क्वेश्चन कह रहा है, एक मिसर धातु में 12% तांबा है, एक मिसर धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए उसे कितने मिसर धातु की जरूरत होगी। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा सबने बोर्ड से भाई, ठीक है, पढ़ लिया अच्छे से। चलिए क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, देखिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक धातु जो है ना, एक मिसर जो धातु है उसके अंदर, एक जो भी एलोए है, एक जो मिसर धातु है उसके अंदर 12% तांबा होता है। कितना तांबा होता है भाई? 12% तांबा होता है एक धातु में। मतलब ये मान लो एक मार्कर है, इस मार्कर के अंदर ना भाई ये कह रहा है 12% तांबा है। कितना तांबा है? 12% तांबा है पूरे मार्कर में, पूरे धातु में, मतलब एक एलोए में, एक मिसर धातु में, कितना तांबा है भाई? 12%। मतलब इस मार्कर में ना 12% तांबे के हैं। तो वही लिख दिया मैंने, अलोए में 12% तांबा है, मिश्र धातु में 12% तांबा है। वो कह रहा है 69 किलो तांबा मेरे को चाहिए। कितना तांबा चाहिए? 69 किलो। अब तांबा है कितना भाई? 12%। और वो कह रहा है 69 किलो, तो इसको बराबर कर देंगे 69 किलो के भाई। बात समझ में आई? ठीक है, एक धातु का जब 12% निकालोगे ना तो तांबा मिलेगा, क्योंकि उसने कहा 12% तांबा है। और वो कह रहा है तांबा कितना है? 69 किलो है। प्रतिशत में 12, रियल में 69, तो कितनी धातु, कितना एलोए चाहिए भाई आपको? तो एलोए कितना चाहिए, कितनी धातु चाहिए वो निकाल लेंगे। 12 चला जाएगा नीचे भाई, प्रतिशत के नाम का 100 ऊपर चला जाएगा, काट लेंगे। 3 पे कट रहा है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 से डिवाइड करोगे भाई कितना होगा? 25। क्लियर है बात इतनी? चलिए तो इसको और इसको गुना कर लेंगे, 23 को और 25 को, 25 या 75, हासिल 7, 25 दूनी 50 और 57 किलोग्राम। उम्मीद है क्लियर है आपको ये चीजें। 576 किलोग्राम क्वेश्चन का उत्तर आ रहा होगा, नोट करिएगा फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, आज मैं क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, चलिएगा। या फिर देखो, कल की क्लास में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था भाई, जो चीज दी गई हो ना उसका प्रतिशत नीचे, जो दिया है और जो पूछा है, जो निकालना है वो गुना में, ऐसे कुछ बताया था मैंने। अब इसने कहा तांबा कितना चाहिए? 69 किलो। इसने कहा तांबा कितना चाहिए? 69 किलो भाई। और तांबे का प्रतिशत कितना दे रखा है? 12, सीधा 12%, प्रतिशत के नाम का भी 100 ऊपर चला जाएगा। बस ऐसे भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको उसी तरीके से बनाना है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, करिए नोट डाउन। क्लियर हो गया ये? अगला क्वेश्चन भाई मैं लगा देता हूं बोर्ड पे, पढ़िए भाई अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं,
लड़कों की संख्या 510 है, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो भाई, ध्यान से सुनना, एकदम से प्यार से, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा इन चीजों को। देखो, जब भी किसी भी चीज की बात हो ना, कोई भी चीज हो दुनिया के अंदर, वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज दुनिया की अपने आप में कितने परसेंट होती है भाई? 100% होती है। मान लो भाई, ये मार्कर है, मैंने बताया था पहले भी, ये अपने आप में क्या है? 100% है भाई। मैंने इसकी कैप हटा दी, अब ये 100% नहीं है ना, पूरा मार्कर अपने आप में क्या है? 100% है। अब क्वेश्चन ने कहा एक विद्यालय में 70% लड़की है, तो विद्यालय अपने आप में कितने परसेंट है भाई? विद्यार्थी जो है विद्यालय में, मतलब विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है भाई, जो स्टूडेंट है वो अपने आप में कितने हैं? 100% है स्टूडेंट भाई। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब ये होता है बच्चे, लड़के जमा लड़की, ठीक है? आप ये मत समझना स्टूडेंट का मतलब लड़कियां या लड़के होता है, नहीं, स्टूडेंट का मतलब लड़के भी और लड़की भी। अपने आप में हर चीज कितने परसेंट होती? 100%। अब 100% है स्टूडेंट भी, उसने कहा गर्ल्स जो है, लड़कियां जो है वो 70% है भाई। स्टूडेंट 100, लड़की 70, तो लड़के है ना बाकी के, तो स्कूल में तो लड़के कितने हो गए भाई? 30% हो गए। बात समझ में आई मेरी भाई? स्टूडेंट टोटल 100% कहलाएंगे, लड़की जो 70 है, लड़के कितने बच गए? 100 में से 70 गए, 30% लड़के हैं। और उसने बताया लड़के 510 हैं भाई, लड़के कितने हैं? 510। अब देखो मेरा वो शॉर्ट ट्रिक याद रखो, लड़कों का प्रतिशत दे रखा है, जो चीज दे रखी हो ना वो भाग में लिख दो, जो चीज दे रखी हो वो भाग में लिख दो। निकालना क्या है? पूरे स्टूडेंट, पूरे स्टूडेंट कितने हैं भाई? 100। या तो ये वाला 100 लिख दो या प्रतिशत के नाम का 100 लिख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे, गुना में 100 भाई। जो चीज दे रखी हो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, वो नीचे, जो निकालनी हो वो गुना में, बस ये सिंपल सा तरीका है भाई मेरा। 30 से काट लो इसको, 17 आ जाएगा ये, और गुना करोगे 100 से, 1700। बस इतने स्टूडेंट है भाई पूरे स्कूल में। उम्मीद है समझ में आ गई होगी तुम्हें भाई, बड़े अच्छे से बात। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई, इसको मिटा देता हूं एक बार। अगला पढ़ो भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं बोल देता हूं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 80% में, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है, प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। तो भाई वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है? देखिएगा, पहले मैं बेसिक से समझाता हूं। स्कूल में होते तो कैसे कर रहे होते हम? करते भी ऐसे, माना संख्या, स्कूल में ऐसे कर रहे होते, माना संख्या क्या भाई? एक्स। संख्या को क्या मान लेते भाई हम लोग? एक्स मान लेते हैं। बात समझ में आई इतनी? उसने कहा संख्या के 80%, फिर हम ना स्कूल में इसका 80% निकालते हैं, 80% के नाम का भाई 100, इसका 80% निकालते, फिर कह रहा है कि 80 जोड़ दो, 80% निकाल लो, 80 जोड़ दो, जो परिणाम आएगा, ये परिणाम तो आ गया भाई। उसने कहा 80% निकाल लो, मैंने निकाल लिया, फिर कह दिया 80 जोड़ दो, 80 जोड़ दिया, तो उत्तर आया ना ये, एक परिणाम आया, एक रिजल्ट आया ये, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो संख्या के बराबर होगा भाई, उस संख्या के बराबर होगा। तो भाई जब आप इसको काटते, यहां से 4/5 आता, इस एक्स को, मतलब इसको उधर ले जाएंगे, मतलब एक्स वाले को उधर ले जाएंगे, तो एक्स तो पहले से ही है,
ये उधर जाएगा माइनस का 4/5 एक्स हो जाएगा, 80 रह जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, 5 × 5 ऊपर गुना कर दो सीधी, 5 × 5 पांच में से गए 4, भाई कितना रह गया 1/5 बराबर है 80 के। एक्स की वैल्यू निकाल लेते, गुना कर देंगे 400 भाई। ये तो हो गए स्कूल का तरीका और बेसिक तरीका, भाई लिखना हो तो उतार लो, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं फिर। बना दिया होगा भाई, देखो शॉर्ट ट्रिक देख लो फटाफट से। देखो भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दो, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दो। बात समझ में आ रही है। या तो भाई ऐसे कर लो कि कोई भी चीज दुनिया में अपने आप में 100% होती है, कोई भी दुनिया की चीज अपने आप में कितनी होती है बच्चे, 100% होती है। उसने कहा इसके 80% में, 80% भाई 100 का 80% 80 होगा भाई, 80% में 80 जोड़ दो, 80% में 80 जोड़ दो तो वो संख्या खुद आ जाएगी आपके पास। मतलब भाई मैंने मान क्या लिया, x ना मान के 100% मान लिया कि भाई संख्या 100% है, कोई भी चीज दुनिया की अपने आप में 100% होती है, उसके 80% मतलब 80 में 80 जोड़ दो तो वो संख्या खुद आ जाएगी। हो गया, 80 को 100 में से घटा लो 20, 20% 80 है, 1% 4, 20 चौके 80, पूरा नंबर भाई 100%, तो 100% कितना होगा भाई 400। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास इनको बताने के, बहुत सारे, मैं अभी भी इनको एक तरीके से और बता देता हूं आपको। देखो कॉपी करिए भाई, आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा पेपर में, ठीक है, कोई क्वेश्चन में कुछ तरीका, किसी में कुछ तरीका, ऐसे चलता है, ठीक है। चलिए देखो, चाहो आप ऐसे भी कर लो, 80% मैंने क्या समझाया था आपको भाई, 4/5, 4/5 तो भाई किसी संख्या के, संख्या माननी थी और शुरुआत की क्लास में समझाया था जब भी मानना हो ना, इन नीचे वाले को मान लो, माना संख्या 5 यूनिट लिख लो या 5 एक्स लिख लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे भाई। 5 का 80% ऊपर लिखा होता है, मैंने समझाया था ये भी भाई, जो संख्या नीचे है ना उसका इतना परसेंट उसके ऊपर लिखा होता है, 80% ये रहा। उसने कहा 80% में 80 जोड़ दो, 5 का 80% 4, 4 में 80 जोड़ दो, वो संख्या खुद आ जाएगी, मतलब 5 खुद आ जाएगा, 5 खुद आ जाएगा, ये हो गया भाई। तो 4 और 5 यूनिट, यूनिट यूनिट घटेंगी, कभी 80 और 4 84 कर दो गलत हो जाएगा, यूनिट यूनिट, 5 में से 4 गए 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर है 80 के, असली नंबर कितना है भाई 5 यूनिट, तो 5 यूनिट किसके बराबर होंगी, 80 गुना में 5 400 के। बहुत तरीके हैं, और भी तरीके हैं, ठीक है, तो आप पजल हो जाओगे। बेस्ट मैंने दो तरीके बता दिए, सिर्फ दो फॉलो करने हैं, एक ये वाला और एक इससे पीछे वाला, शुरू वाला बेसिक तरीका है उस पे मत जाना, ये और उससे पहले वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई इसी टाइप का है, वो मैं लगा देता हूं, एक बार मिटा दूं इसको, पढ़िए भाई अगला क्वेश्चन, लग गया होगा बोर्ड पे, पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है। देखो भाई अब जोन सा तरीका तुम्हें अच्छा लग रहा हो ना वो कर लेना भाई,
तो मैं ये वाला करवा रहा हूं, माना संख्या कितनी है भाई, 100%। कितनी है? 100%। वो कह रहा है इसके 60% में से, 60% कितना होगा 100 का भाई? भाई 100 का कभी भी प्रतिशत मत निकालना। 100 का 10% का 10, 100 का 20% का 20, 100 का 30% का 30, जितना का उतना लिख दो। उसने कहा 100 का 60% जो है उसमें 60 जोड़ दो, सॉरी घटा दो बोला है ना, 60 घटा दो। मैं एक बार देख लेता हूँ, उसने बोला है 60 घटा दो भी, 60% में से 60 घटा दो, उत्तर भी 60 आएगा। उत्तर भी कितना आएगा? 60 आएगा। 100% मत लिखना, पिछले में बोला था वो नंबर मिल जाएगा, मतलब 100%। अब बोला है 60 आएगा तो 60 लिखेंगे। एक बार कॉपी करो फटाफट से यहां से। चलिए हो गया। अब भाई परसेंट अलग रखना है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो 60% बराबर है 60 और 60 120। 1% निकाल लेना बच्चे, 60 से काटोगे 2। असली नंबर कितना है? 100% है जी, 100% निकाल लीजिएगा, 200 हो जाएगा उत्तर हमारा। उम्मीद है बड़े अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। हाँ एक चीज और मैं क्लियर कर दूं भाई, देखो बुक्स के अंदर 500-600 क्वेश्चन है करीबन, ठीक है? तो सारी टाइप्स, जैसे आप सोच रहे हो कि कम टाइम भी ले लें सर और सारी टाइप्स भी करवा दें, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको सब कुछ ही पढ़ना है परसेंटेज में, तो कम से कम 10-12 वीडियो बनेंगे फिर, है ना, वो ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। बट जो बेस्ट टाइप है जो एयरफोर्स में आ सकती है, ठीक है, मैं उनके वीडियो बनाऊंगा। 5 से 6 क्लास 5 बोला था मैंने शुरू में, हालांकि परसेंटेज की 6 बन जाएंगी क्लास हमारी। चलिए तो वो करवा दिए मैंने, जो बेस्ट है, जो इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप लोगों को ये लगे कि भाई कुछ अलग से करना है हम लोगों को, तो अलग से कुछ टाइप्स हैं जो आपकी आनी है, ठीक है, तो वो आप मुझे बता सकते हो, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। बताने के लिए मैंने तुम्हें बता ही दिया भाई, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे मुझे, मैथ्स बाय अनेक सर, ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे भाई, वहीं से पीडीएफ वगैरह मिलेगी आपको, ठीक है? चलिएगा वहां ज्वाइन कर लीजिए आपको। मिटाओ अगला क्वेश्चन भाई, बोर्ड पे लग रहा होगा, देखिएगा, पढ़िए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.3% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.3% खर्च करता है, ठीक है भाई? तो उसके पास 1200 रुपये मासिक बचते हैं भाई, ठीक है? तो उसकी मासिक खर्च बताना है क्या है भाई इसका। देखो भाई बात ऐसे समझ लो, क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी का जो खर्चा है वो है 66.3% का खर्चा है। बात समझ में आ रही है? खर्चा कितना है? 66.3%। और उसने कह दिया जो बचत है उसकी, जो उसके पास बचत होती है, ये बोला ना उसने, वो कितनी है भाई? 1200 रुपये की बचत है भाई उसके पास। अब बात को समझने की पूरी पूरी कोशिश करना, बड़े अच्छे से समझना भाई। देखो बात कैसे कह रही है भाई, मान लो आपके पास 100% पे, शुरू में देखो आपके फादर ने आपको पैसे दे दिए, पूरे है ना, वो शुरू में तो आपने कुछ नहीं खर्चा, घर से पैसे लेके आए हो, उन पूरे पैसों को, चाहे वो 10 रुपये हो भाई, उस 10 रुपये को भी बोलेंगे 100% है वो।
मान लो आपने 5 रुपए खर्चा कर दिया, तो उसका मतलब ये निकला आपने 50% पैसा खर्चे में कर दिया। बात वही ऐसे है, आप घर से पैसे लेके निकले, आपने 66.3% का खर्चा कर दिया भाई, इतने पैसे उड़ा दिए। अब बाकी के तो बच गए ना, बाकी के कितने बच गए, 1200। तो समझना कैसे करना है चीज को, 66.3 कितना होता है भाई, 2/3 होता है भाई, कितना होता है 2/3 लिखवा रखा मैंने। अब इस 3 को क्या मानोगे, 3 को मानेंगे टोटल पैसे कितने थे आपके पास भी, टोटल मनी घर से कितना लेके चले थे, क्योंकि भाई घर से टोटल पैसा लेके चलोगे ना उसी में से तो खर्चा करोगे, तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल चीज या मेन चीज होता है। मेन क्या है, घर से पैसा लेके निकले थे, 3 यूनिट पैसा घर से मैं लेके निकला और 2 यूनिट मैंने खर्चा कर दिया, खर्चे की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो 2 यूनिट खर्चा कर दिया, 3 रुपए लेके निकला था ऐसे समझ लो, 2 खर्च दिए, 3 लेके निकला था, 2 खर्च दिए, बचे कितने, 1 रुपया बचा, कितना बचा भाई, 1 रुपया बचा, और बचत है कितनी 1200 की, 1200 के बराबर लिख देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो यूनिट की जगह है आप एक्स ले लो, बेशक से भाई मेरे पास 3x रुपए थे, 2x खर्च कर दिए तो बचे कितने, 1x बचा, और बचत है कितनी 1200 की। पूछा क्या है उसने, खर्चा पूछा है भाई आपसे, खर्चा, अब खर्चा कितने यूनिट है, 1 यूनिट में 1200 रुपए, मतलब ऐसे समझ लो 1 जेब में 1200 रुपए है, खर्चा कितना करा है, 2 जेब 2 यूनिट 2 बक्सों का खर्चा करा है, 2 यूनिट का, तो 2 से गुना कर देना, 2400 रुपए खर्चा। मान लो भाई इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं घर से कितने पैसे लेके निकला था बच्चा, भाई 1 बक्से में 1200 रुपए या 1 जेब में 1200 रुपए, टोटल कितनी जेब है, 3, या टोटल कितनी यूनिट है, 3, 1 जेब में 1200, सारी 3 जेब है, तो आपसे पूछ ले पूरा पैसा कितना लेके निकला था बच्चा भाई, तो 3 से गुना कर देना, 3600 रुपए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे भाई, पूरा पैसा भाई, पूरा पैसा जो है उसके पास ये वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी बड़े अच्छे से, इसको 100 वाले से भी बना सकते हो, वहां से फिर ये वाली चीज दिक्कत करेगी आपको भाई, ये दिक्कत कर जाएगा आपको, ठीक है। देखो या फिर मैं इसको ना ऐसे समझा देता हूं एक बार, बाकी यही तरीका आसान है सबसे, ठीक है, इसी से कर लीजिए आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं, पढ़िएगा उसको, एक और ऐसा ही है कुछ, मतलब कुछ कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन है। यदि एक पंखे को, पढ़ लीजिएगा बोर्ड से, एक पंखे के कारीगर का वेतन 2/3, अलग है थोड़ा ये, तो 2/3% बढ़ गया भाई, वेतन जो है तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी भाई, ठीक है, आगे पढ़ो, तो उसे 72 रुपए अधिक प्राप्त हुए भाई, तनख्वाह इतने परसेंट बढ़ाई थी और बढ़ गए कितने रुपए, 72 रुपए, ठीक है, 72 रुपए बढ़ गए, तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो लिख लिया होगा ना क्वेश्चन तो सबने, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसको भाई, आपकी तनख्वाह 2/3% बढ़ा दी और बढ़ाने से 72 रुपए बढ़ गए,
72 रुपए बढ़ गए भाई, सॉरी 72 रुपए बढ़ गए। तो भाई एक चीज बताओ, तनख्वाह प्रतिशत में इतनी बढ़ी, असलियत में कितनी बढ़ी, 72 रुपए, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे भाई? ये आपका प्रतिशत है, ये आपकी बढ़ोतरी है, मतलब प्रतिशत में आप इतने बढ़ गए और असलियत में आप इतने बढ़ गए, बराबर होंगी दोनों चीजें, ठीक है? या फिर मैंने क्या समझाया था, जो चीज दे रखी हो उसको उससे भाग कर दो, सिंपल तरीका। 72 रुपए तनख्वाह बढ़ गई, प्रतिशत में कितनी बढ़ गई, इतनी। तो मैंने बताया था जिसका प्रतिशत दे रखा हो ना, इसका प्रतिशत दे रखा है, भाग कर दो। निकालना 100% होता है, गुना में 100 कर दो। तनख्वाह पूछिए ना, आपकी तनख्वाह कितनी थी, तनख्वाह पूरी की पूरी 100% होती है, तो 100% लिख देंगे। या फिर यूं समझ लो, ये परसेंट के नाम का 100 ऊपर आ गया, जैसे ठीक लगे आपको। इसको सोल्व कर लो भी, 72 बटे 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बटे 3, 3 ऊपर चला जाएगा भी, और गुना में 100, तो 8 निम 72 9 27 2700 रुपये तनख्वाह थी भाई आपकी, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई? जो चीज दे रखी हो भाई, इतने परसेंट तनख्वाह बढ़ गई तो इतने रुपए बढ़ गए, तो ये और ये दोनों एक बात है, ये प्रतिशत में है, वो रियल में है। जो चीज दे रखी हो उसको भाग कर दो, या फिर देखो ऐसे समझ लेना, किसी को ये दिक्कत आ रही हो तो देखो भाई, इतने परसेंट इसके बराबर, तो 1% किसके बराबर होगा, 72 बटे 2 सही 2 बटा 3। पूरा पैसा कितना होता है, पूरा पैसा होता है 100%, तो 100 से गुना आ रहा है याद? 5 रुपए में 2 टॉफी, 1 रुपए में इतनी टॉफी, 10 रुपए में कितनी टॉफी स्कूल में करते थे, वो बात बता दी मैंने तुम्हें, ठीक है? चलिए कॉपी मारो जल्दी से इसको। लिख लिया भी? चलिएगा मिटाओ। अगला क्वेश्चन भी लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, इस वर्ष रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी हुई, 5% की बढ़ोतरी हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपये है, तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था, ठीक है भाई? ये पूछ रहा है, तो 5% की बढ़ोतरी हुई है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन कल हमने जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़े थे, आ रहा है याद? ये उस जैसा क्वेश्चन है, और बड़े प्यार से बना सकते उसी तरीके से, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, तनख्वाह बढ़ी 5%, आज इतनी है तो पिछले साल कितनी थी? देखो ध्यान देना भाई, वर्तमान तो उसने कहा पिछले साल, पिछला कहां लिखते हैं, कल बताया था मैंने, पिछला इधर आगे का इधर, ठीक है? वर्तमान से पीछे, पीछे की बात हो रही है, तो पिछला, पिछले साल तनख्वाह कितनी बढ़ गई भाई उसकी, 5%, लिख लो। 5% कितना होता है, 1/20। देखो हो क्या रहा है, चीजें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो मैंने कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए आपको, सारी ट्रिक्स भी समझा दी, ये समझ लो, बट आपको लगानी कैसे है, कौन सी ट्रिक कहां लगानी है, वो चीजें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब मुझे कैसे समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन पे ये लगेगा, इस क्वेश्चन पे ये लगेगा, ये सब प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है? काफी एक्सपीरियंस हो गया मेरा इसीलिए इन चीजों का। अब देखो ध्यान दो भाई, पिछले साल तनख्वाह 20 थी, 1 रुपया बढ़कर कितनी हो गई वर्तमान में, 21 हो गई। पिछले साल तनख्वाह 20 थी, 1 रुपया बढ़कर कितनी हो गई भाई, 21 हो गई, ठीक है? अब उसने बता दी भाई, तनख्वाह वर्तमान में 1806 रुपए है, ये भी वर्तमान है, यूनिट लिख लो,
यूनिट लिख लो। वर्तमान में तनख्वाह 1806 रुपए है, तो 21 यूनिट 1806 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 1806/21। निकालना क्या है, पिछले साल की तनख्वाह निकालनी है, वो कितनी है 20 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो भी पहले, तो तुम काट लो इसको, देखो भी कितने पे कटेगा। पहले तीन पे काट लेते, 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 7 से काट दो, 7 × 2 = 56, बचा 4 × 7 = 42, 86 आया। एक यूनिट 86 के बराबर है, तो पिछले साल, तो 86 से गुना कर देना भाई, ठीक है, 86 से क्या कर देंगे गुना, 172 हो गया 0। इतनी थी भाई बात खत्म क्वेश्चन की, क्लियर है भाई इतना, मिटाऊं? देखिएगा भाई, देखो बात, या फिर ऐसे कर लो, देखो कितनी बार समझा चुका हूं मैं चीजों को। वर्तमान में 21 यूनिट तनख्वाह है, वर्तमान में असली में कितनी 1806, ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, भाग कर दो 21 से, निकालना क्या है पिछले साल की, गुना में 20 कर दो, ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया जाता है ये भी। चलो तो फिर बड़े आगे, अगला क्वेश्चन भाई बोर्ड पे लग गया होगा, देखिएगा क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है भाई टोटल 25,000, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 25,000 भी, क्लियर है। क्वेश्चन ने कहा 1/5 महिलाएं हैं, 1/5 महिलाएं हैं, निकालने पहले इतना ही कर लेते हैं क्वेश्चन, अब पढ़ लो पूरा, फीमेल कितनी है भाई, महिलाएं कितनी हैं, 1/5, 1/5 कर दो भी, 1/5, 5×5 = 25, 5,000 महिलाएं हैं, फीमेल है, तो आदमी कितने बच गए भाई, भाई 5,000 फीमेल हैं 25 में से, तो मेल आदमी कितने बच गए 20,000, 20 × 5 = 25 हो गए ना पूरे। चलिएगा आगे क्या बोला गया है, 5% पुरुष और 40% महिलाएं अनपढ़ हैं, 5% आदमी भाई, 40% महिला अनपढ़ हैं, तो साक्षरों का प्रतिशत आपको बताना है कितना है, पढ़े लिखों का, एजुकेटेड का परसेंट बताना है, एजुकेटेड का भी, ठीक है। उसने क्या कहा, 5% आदमी और 40% महिला अनपढ़ है, अनपढ़ निकाल लो भाई कितने हैं, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, अनपढ़ भाई महिला 40% अनपढ़ है, 5,000 का 40% निकाल लेना भाई, निकालना आता होगा, सिखा रखा है, 5,000 का 40% परसेंट के नाम का 100, कितना आ गया 2,000, कितना आ गया भाई 2,000, 2,000 महिला अनपढ़ है, आदमी देखो कितने अनपढ़ है भाई 5%, 2,000 का 5% निकाल देना भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1,000, तो भी 2,000 महिला और 1,000 आदमी अनपढ़ है, ठीक है, क्लियर है बात इतनी। चलिएगा अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत कितना है, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ देखो भाई कितने होंगे, 3,000 हो गए अनपढ़, अनपढ़ कितने हैं 3,000, 25,000 में से 3,000 अनपढ़ हैं, 25 में से 3,000 अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे कितने बचे, 25 में से 3 निकल गए, तो पढ़े लिखे कितने बच गए 22,000, 22,000 पढ़े लिखे हैं, बट आपसे वो 22,000 नहीं पूछ रहा, वो प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप कहोगे 22,000 पढ़े लिखे हैं,
टोटल कितने में से भाग कर देंगे, 25,000 में से 22,000 पढ़े लिखे हैं, गुना में 100, 25 चौका 100, 88% पढ़े लिखे हैं। कॉपी करोगे, बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने बता दिया, बेसिक भी प्लस शॉर्ट ट्रिक भी है, ये इससे भी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, वो भी मैं समझाऊंगा। पहले इसको उतार लो, हो गया होगा। चलिए देखो भाई आगे इसको भी और कैसे बना सकते हो। देखो जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत में उत्तर मांगे ना, तो ऐसे में जो ये 25,000 दे रखा है इसकी जरूरत नहीं है आपको, बिना इसके भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपका। जब भी क्वेश्चन का आंसर प्रतिशत में मांग रहा हो तो ये असली वैल्यू असली जनसंख्या की जरूरत नहीं है हमें। कैसे करोगे देखो, उसने कहा 1/5 महिलाएं हैं, 1/5 क्या है महिलाएं, तो ऐसे कह दो जी टोटल तो 5 आदमी है, टोटल जनसंख्या 5 है, टोटल जनसंख्या कितनी है 5, महिलाएं कितनी है, विमेन कितनी है, फीमेल कितनी है 1, 5 में से 1 महिला है तो आदमी कितने रह गए 4 आदमी हैं, आदमी कितने रह गए भाई 4 रह गए, बात मेरी समझ में आ रही है अच्छे से, आदमी कितने रह गए 4। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, और भी कैसे बनानी है। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई 5% आदमी, 40% महिलाएं अनपढ़ हैं, कितनी भाई 4 तो आदमी सॉरी 5% आदमी 40% महिला, भाई 40% महिला क्या है अनपढ़ है। क्लियर है बात इतनी भाई सबको, बनाए आगे देखो। तो फिर तो भाई करो क्या, गुना कर दो बस, आदमी कितने हैं 5% अनपढ़, महिला कितनी अनपढ़ है भाई बोलो 40%, कर दो गुना, 20% आदमी अनपढ़, 40% महिला, कितने हो गए अनपढ़ भाई टोटल 60%। 4 और 1 5, 5 टोटल जनसंख्या से भाग कर देना, 12% अनपढ़ है भाई, समझना ध्यान से भी। भाई करना क्या है, आदमी 5% अनपढ़ है, 5 से सीधी गुना कर दो 20, महिला 40% अनपढ़ है सीधी गुना कर दो 40, 60 टोटल कितने हैं 5, 5 से भाग कर दो 12% अनपढ़ है। टोटल कोई भी चीज 100% होती है, 12% अनपढ़ है घटा दो तो पढ़े लिखे कितने बच गए 88%। तो ऐसे भी बना सकते हो, तरीके और भी हैं हमारे पास, उनसे भी बना सकते हो। ठीक है चलिएगा, मिटाऊं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बोर्ड से फिर। भाई अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 5% घटा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या है। कर लिया होगा क्वेश्चन नोट डाउन भी बोर्ड से आपने, चलिए देखे। तो भाई भिन्न का क्या मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है ये एक अंश, एक हर, एक नम्रेटर और एक डिनोमिनेटर जिसमें हो वो भिन्न कहलाती है, एक फ्रैक्शन कहलाता है भाई। ठीक है चलिए,
मैंने एक चीज समझाई है, दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये भी 100% है, ये भी 100% है, ऐसे समझ लो, या यूं समझ लो मैंने 100 ऊपर लिख दिया 100 नीचे लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा भाई इससे? 100 ऊपर लिख दूं 100 नीचे लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, काट लो। या फिर यूं समझो दुनिया की हर चीज 100% होती है अपने आप में भाई, ठीक है? ये हो गई ओरिजिनल भाई, ओरिजिनल मतलब वास्तविक वाली। अब क्वेश्चन ने कहा अंश को 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो भाई, 100 में 20 जोड़ दो कितना हो गया 120%। उसने कहा हर को 5% घटा दो, 100 में से 5 चले गए भाई, कितने रह गए 95% रह गया भाई। भाई इसको 20% बढ़ा दिया, इसको 5% घटा दिया, कह रहा है ऐसे करने के बाद ना 5/2 उत्तर आएगा तुम्हारा, ऐसा करने के बाद उत्तर कितना आएगा 5/2 आएगा उत्तर भी तुम्हारा, उसने ये कह दिया। बस एक्स और वाई की वैल्यू ही तो निकालनी थी, एक्स और वाई की, 95 ऊपर चला जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा भाई, बस काट लेना इनको, 5 से काटोगे 24, उत्तर आ गया 95/2 = 48, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है? उतारो एक बार, रिपीट करता हूं फिर मैं। हो गया, चलिए देखिए एक बार फिर से भाई, ओरिजिनल मान लेंगे कोई भी चीज 100% एक्स 100% वाई, मतलब एक्स वाई मानना है वैसे तो मैंने 100% तो किसी के साथ में लिख लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऊपर भी 100 लिखा है नीचे भी 100 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। 100% में 20% बढ़ गया, अंश में नमरेटर में 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, ये 5% घट गया 95 हो गया, कह रहा है बढ़ाने और घटाने के बाद 5/2 उत्तर आएगा, कितना उत्तर आएगा भी 5/2, ये ऊपर गया ये नीचे गया, कैलकुलेशन करी उत्तर आ गया क्वेश्चन का, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिटा दो भाई इसको तो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बोर्ड से भाई, क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में, देखो ये वाली टाइप बखूबी पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है ये, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में, एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, ठीक है? तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें, प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें, ठीक है? एक बार क्वेश्चन नोट करें फटाफट से। हो गया होगा नोट डाउन, देखिएगा भाई, उसने कहा चीनी का मूल्य 10% कम हो गया कितना कम हो गया भाई 10% कम हो गया भाई, जो ये क्वेश्चन है ना इसमें 4 बातें पूछी जाती हैं आपसे, टोटल 4 बातें पेपर में पूछ सकता है आपसे, इसने आरंभिक मूल्य पूछा है, नया मूल्य पूछ सकता है, आरंभिक मात्रा मतलब कितना सामान आना था, कितनी क्वांटिटी आनी थी वो पूछ सकता है, न्यू क्वांटिटी पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, आरंभिक मतलब ओरिजिनल रेट, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है? ये सारी बातें यहां से पूछी जा सकती हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन में चारों चीजें आपको समझा रहा हूँ कैसे निकालनी है भाई आपको, देखिएगा ध्यान दीजिएगा बोर्ड से,
देखो एक तो शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। उस शॉर्ट ट्रिक से निकलेगा क्या, हमेशा नई क्वांटिटी या मात्रा, जो हिंदी में कहेंगे आपको नई क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी में। नई क्वांटिटी निकलेगी, ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इससे हमेशा नए वाली क्वांटिटी निकलेगी सबसे पहले में, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, रेट 10% कम हो गया। भाई एक बात बताओ, कोई चीज सस्ती होगी तो ज्यादा मिलेगी आपको उतने ही रुपयों में। मान ले भाई 100 रुपए का पेट्रोल लेने चले गए तुम और पेट्रोल हो गया सस्ता, तो 100 रुपए में ज्यादा मिलेगा ना पेट्रोल आपको। मान लो कल पेट्रोल लेने गए थे, कल आपको कम मिला होगा, आज रेट सस्ते हो गए तो 100 रुपए में पेट्रोल ज्यादा मिलेगा ना आज की डेट में। वही बात यहां पे कह रहा है कि भाई रेट 10% घट गया तो 1 किलो चीनी ज्यादा मिल गई। 1 किलो चीनी ज्यादा मिली क्यों, क्योंकि 10% रेट घट गया, परसेंट के नाम का 100 ऊपर गई। भाई 1 किलो चीनी ज्यादा क्यों, 10% की वजह से, 10 नीचे लिख देना तो बस आ गई कहानी समझ में। तो भाई नई जो चीनी है ना, नई जो किलो चीनी, कितने किलो चीनी मिलेगी, नई 10 किलो चीनी मिलेगी आपको भाई, मतलब पेट्रोल 10 किलो मिलेगा ऐसे समझ लो। कल कितना मिला था, अभी ओल्ड या ओरिजिनल कह लो, उसको ओरिजिनल कह देंगे या आरंभिक भी कह देंगे, ओरिजिनल या आरंभिक कह दो भाई, आरंभिक मात्रा या क्वांटिटी जैसे भी हिंदी में, आरंभिक मात्रा क्वांटिटी। तो भाई आज सस्ता था, 1 किलो ज्यादा मिला था तेल आपको, तो 1 किलो कल कम मिला था ना, तो कल मैंने 9 किलो खरीदा था भाई, मैंने कल पेट्रोल कितना खरीदा था, 9 किलो पेट्रोल खरीदा था, या 9 लीटर होता है वैसे तो, मैं किलो बोल रहा हूँ गलत है वैसे तो, चलिए 9 किलो हमने पेट्रोल खरीदा था, कल सस्ता हो गया तो आज कितने किलो खरीद के लाए, 10 किलो पेट्रोल खरीद के लाए। अब रेट की बात करेंगे, पहले ये लिख लो, लिख लिया ये वाला। अब देखो नया मूल्य पूछ लिया अगर पेपर वाला, नया मूल्य, न्यू प्राइस भाई, न्यू प्राइस भाई, इसको देखो ओल्ड भी बोल देता है कई बार, बहुत सारे नामों से बोल देगा, ठीक है। नया रेट भाई 270 रुपए में 10 किलो नया रेट निकाल रहे हो तो नई क्वांटिटी लेना, 270 रुपए में 10 किलो, 270 रुपए में 10 किलो तो 1 किलो कितने की होगी, 27 रुपए किलो होगी भाई। हमारे क्वेश्चन ने पूछा है आरंभिक मूल्य है भाई, शुरुआत का, ओरिजिनल भी कह सकते हो, आरंभिक आरंभिक मूल्य है भाई। तो आरंभिक क्वांटिटी कितनी है, 9 किलो भाई, 270 में 9 किलो खरीदोगे तो रेट क्या रहा होगा, 30 रुपए किलो का रेट रहा होगा। तो भाई एक ही तरीके से चार चार बातें तुम निकाल सकते हो, एक ही तरीके से, एक ही शॉर्ट ट्रिक से चार चीजें मैंने निकालनी आपको सिखा दी भाई, ठीक है। कॉपी करो, एक क्वेश्चन और मैं सेम बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए बात, उतारो एक बार इसको, हो गया होगा कॉपी। देखो मैं इनको लिखा रहने देता हूं भाई, क्योंकि इनकी फिर जरूरत पड़ेगी आपको। देखो भाई अगला क्वेश्चन बोर्ड से पढ़ो एक बार आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेब की कीमत 10% कम होने के कारण, सेब की कीमत 10% कम होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदता है, 10 सेब अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। इंग्लिश में भाई उसने बोला रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस का मतलब नया रेट पूछ रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई। नई क्वांटिटी, ओरिजिनल, ओल्ड, ऐसे कुछ भी बोल देगा, नया मूल्य या रिड्यूस मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, कुछ भी,
आरंभिक मूल्य है मतलब जो शुरू में था, ठीक है, वो सब चीजें। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, 10% कमी के कारण 10 सेब, अब सुनना ध्यान से, 10 सेब ज्यादा मिली भाई, 10 सेब मैं ज्यादा लेके आया कैसे, क्योंकि 10% रेट सस्ता हो गया था सेबों का, 10 सेब फालतू क्यों, क्योंकि 10% का फर्क पड़ गया रेट में, परसेंट के नाम का 100 पर, तो भी 100 सेब आ गया क्वांटिटी भाई, मतलब आज की डेट में तुम सेब लेने जाओगे ना, कितने रुपए की सेब खरीद के ला रहे हो भाई तुम आज की डेट में, 54 रुपए में 100 सेब मिलेंगे आपको। कल का रेट क्या था, ओल्ड वाला ओरिजिनल वाला कल क्या रेट था घटने से पहले का, वो निकाल लेंगे, सॉरी रेट नहीं मात्रा, 100 सेब आज की डेट हमें मिल रही है और कल 10 सेब कम मिली होंगी क्योंकि कल महंगी थी, तो 10 घटा दो, कल मेरे को 90 सेब मिली थी भाई, कल मैं 90 सेब लाया था घर पे। अगर भाई क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, रेट कई बार बढ़ भी जाता है, वो कल की क्लास में 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उनके भी, अगर रेट बढ़ जाए तो उसमें फिर यहाँ जोड़ना पड़ जाता है हमें, ठीक है। नया रेट भाई, नया रेट देखते हैं पहले, 100 सेब 54 रुपए में, 54 रुपए में 100 सेब, तो भाई एक सेब का रेट कितना हो गया, देखो एक चीज समझना, 54 सेब 100 रुपए की, तो एक सेब का रेट आ गया, ये एक सेब का रेट, पूछा क्या है बंदे ने, एक दर्जन का रेट भाई, तो दर्जन का पूछा है ना, 12 से गुना कर लेना, मैं यहां कर देता हूं, ये तो एक सेब का रेट है, एक दर्जन का पूछा है 12 से गुना जरूर कर लेना भाई, ना तो फिर गलत हो जाएगा उत्तर आपका, 12 4 48, 12 5 60, 60 और 4 64 बटे 100 भाई, तो 6 रुपए 48 पैसे क्वेश्चन का उत्तर आ रहा होगा भाई, उसने नया ही रेट पूछा था आपसे, ठीक है। ऑप्शन देख लो, पहला ही ऑप्शन है भाई, ठीक है। आरंभिक मूल्य अगर पूछता तो आप कैसे कहते जी, 54 रुपए में 90 सेब, 54 रुपए में 90 सेब, तो दर्जन सेब का पूछ रहा है तो 12 से गुना करते भी फिर हम लोग, 9 6 54 72 7.2 रुपए आ जाता दर्जन में, ये भी दर्जन का रेट है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग इसके ऊपर इसको कल की क्लास में दोबारा से फिर समझ लेंगे, 2 क्वेश्चन वैसे ही मैं कल लेके आऊंगा इसके ऊपर, इसको करने का तरीका और भी एक होता है, ठीक है, बट ये मुझे कुछ ज़्यादा इजी लगता है करवाने में, तो बेटर आपको भी ज़्यादा इजी लगेगा ये, ठीक है। अगर बोलोगे तो वो दूसरा तरीका भी मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, ठीक है, चलिएगा। तो फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।